हेलो नमस्कार, भोकाली ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें व लाइक करें। आज हम वर्ण विचार व्याकरण का पार्ट थर्ड पढ़ाने जा रहे हैं। हमने फर्स्ट और पार्ट सेकेंड में मैंने आपको स्वर और व्यंजन के बारे में अंतर बताया कि स्वर क्या होते हैं और व्यंजन क्या होते हैं। आज हम कुछ चीजें ऐसी बता रहे हैं जो कि एग्जाम लेवल में बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये एग्जाम में अधिकतर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन के पर्पस पे ही है। जैसे ये दिया है व्यंजन, व्यंजन दिया है का खा गा घाड़ा चा छा जा झा जा टा ठा डा ढाड़ा ता था दा धाना और पा फा बा भा मा। ये व्यंजन दिए हुए हैं 25, ठीक है। तो इसमें क्या है, इसमें ये देखते हैं कि सघोष क्या है और अघोष क्या है। सघोष कैसे, मतलब ये पेपर में बहुत ही पूछते हैं कि सघोष क्या है, अघोष क्या है, अल्पप्राण क्या है, महाप्राण क्या है। तो आज इनके बारे में आप अच्छे से समझ जाएंगे कि कैसे ये सघोष होते हैं और कैसे अघोष होते हैं। तो अब ये जो का खा गा घा ढा चा छा जा झा झा इंजा टा टा डा ढाड़ा ता था दा धा ना पा फा बा भा मा, ये क्या बोले जाते हैं, स्पर्शी व्यंजन बोले जाते हैं। इसको क्या करते हैं, किसी ना किसी अंग से स्पर्श होता है। जैसे हमने बताया था कि कंठ, तालु, मूर्धा और दंत और ओष्ठ से अंगों से स्पर्श होकर के निकलते हैं। तो ये जो स्पर्श होकर के व्यंजन निकलते हैं इसको क्या बोलते हैं, स्पर्शी व्यंजन बोलते हैं। लेकिन इसी में जो चा छा जा झा, ये चार जो व्यंजन है इनको स्पर्श संघर्षी व्यंजन बोलते हैं, क्योंकि जब चा बोलोगे तो उसमें थोड़ा संघर्ष करना पड़ता, चा छा जा झा, तो इस तरह जो बोलते हैं तो इसमें क्या होता है, एक संघर्ष की संघर्ष करने की मतलब दिखाई देता है कि संघर्ष हो रहा है, चा बहुत मतलब मुश्किल से बोल पाना, तो इसको बोला जाता है स्पर्शी संघर्ष व्यंजन। ये बोला जाता है स्पर्शी संघर्ष व्यंजन, ठीक है। अब इसके बाद आते हैं कि ये पांच की बात कर लेते हैं। ये रा इंजा रा ना मा, ये क्या होता है, ये नासिक के द्वारा बोले जाते हैं। नासिक मतलब क्या होता है, नाक के द्वारा। जो जो व्यंजन नाक के द्वारा बोले जाते हैं उनको क्या बोला जाता है, नौशिक। तो ये नौशिक व्यंजन कहलाते हैं। अब इसके बाद आते हैं या रा ला वा। या रा ला वा की बात करते हैं तो हमने कल बताया था कि इनके जो व्यंजन को वैसे अलग अलग जो बोलते हैं तो इसको या और वा को क्या बोलते हैं, अर्धस्वर, अर्धस्वर बोलते हैं, अर्ध व्यंजन बोलते हैं। और इसको ला को क्या बोलते हैं, पार्श्विक, पार्श्विक व्यंजन बोलते हैं। और तुम्हारा या रा को लुंठित व्यंजन बोलते हैं। ये कल मैंने बताया था लुंठित व्यंजन बोलते हैं। लेकिन इन चारों को मिलाकर क्या बोलते हैं, अंतस्थ व्यंजन बोलते हैं। इन चारों को मिलाकर क्या बोलते हैं, अंतस्थ, मतलब या रा ला वा को क्या बोलते हैं, अंतस्थ व्यंजन बोलते हैं, ठीक है। अलग अलग की बात करें तो वा और या अर्ध व्यंजन बोलते हैं और ला को पार्श्विक व्यंजन बोलते हैं व रा को लुंठित व्यंजन बोलते हैं। जबकि साथ में मिलकर बात करें तो साथ में मिलकर बात करने के लिए अंतस्थ व्यंजन बोलते हैं, ठीक है। अब इसके बाद आते हैं सा 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 हा। ये मतलब आपको ऊष्मा प्रकट करते हैं, ऊष्मा के गर्मी लगती है, सा सा हा इस तरह से बोलते हैं तो अपने आप से लगता है कि गर्मी लग रही। तो ये गर्मी, जो गर्म हवा निकलती है इसी को बोलते हैं ऊष्म व्यंजन। इसको क्या बोलते हैं, ऊष्म व्यंजन। तो अब हम यहाँ पे क्या सघोष और अघोष की बात कर रहे थे तो वो अभी हम देखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं क्षत्रज्ञ। ये क्षत्रज्ञ क्या है, क्षत्र मतलब क्या है, ये किससे मिलके बना होता है, ता प्लस सा से मिलके, आधा का प्लस सा मिलके बना होता है। अगर यही काम ऐसे लिखा हो तो इसको तोड़ेंगे तो इस तरह से हो जाएगा, का प्लस आ, तो इस तरह से होगा, तो इसलिए यहाँ पे क्या आधा का बोला जाएगा। तो छा जो बनी है का प्लस सा मिलके बनी होती है, इसीलिए इसको संयुक्त अक्षर कहा जाता है।
इसी तरह ता जो होती है वो ता प्लस रा मिलके बनी होती है, तो इसलिए इसको दो अक्षरों का जो मेल होता है उसी को क्या बोलते हैं, संयुक्त अक्षर बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, ता और रा हो जाएगी, तो ये संयुक्त अक्षर त्रा बन जाएगा। ज्ञा, इसको जिया भी बोलते हैं। वैसे ज्ञा मतलब हम लोग वैज्ञानिक या किसी भी में ज्ञा का उच्चारण करते हैं, लेकिन वैसे ही उच्चारण जो है वो ज्ञा है, इसको ज्ञा बोला जाता है। तो जा और आदि जा प्लस इंजा, तो इनको मिलके क्या बनेगा, ज्ञा बनेगा, तो इसको ज्ञा बोलते हैं। श्रा क्या होता है, सा प्लस रा, सा प्लस रा मिलकर के क्या बोलते हैं, श्रा, मतलब आदि सा लगी हुई, तो इसको क्या बोलेंगे, श्रा। वैसे तो इन चारों को मिला के क्या बोला जाता है, संयुक्त व्यंजन बोला जाता है। इन चारों को मिला के क्या बोला जाता है, संयुक्त व्यंजन बोला। लेकिन अगर पूछ दिया जाए कि मिश्रित व्यंजन कौन है, तो मिश्रित व्यंजन तुम्हारा श्रा है। याद रखना कि मिश्रित व्यंजन कौन सा है, श्रा है। ये अलग से संस्कृत भाषा से लिया गया है, इसलिए वो क्या बोलते हैं, मिश्रित व्यंजन बोलते हैं, श्रा बोलते हैं। ठीक है, अब आते हैं अघोष व सघोष की बात करते हैं। अघोष क्या होता है और सघोष क्या होता है, ये क्वेश्चन मतलब ये मान लो एस आई पुलिस और लेखपाल या पीसीएससी सेट या यूपीएससी का सीसेट, किसी भी एग्जाम में, ये रेलवे या एसएससी कोई भी एग्जाम हो, उसमें अघोष सघोष हिंदी में पूछा ही जाता है। अलप्राण महाप्राण ये सुपर टीटी और टीटी में सीटेट में बहुत अच्छे से पूछा जाता है। तो इसमें क्या होता है कि अब ये देखते हैं, अघोष क्या है सघोष क्या, आ आ क्या है, पहले आता है, आ पहले आता है तो मतलब पहले नंबरिंग होगी, एक दो, ठीक है। फिर सघोष, तो सघोष की क्या हो गई, तीन चार पांच, ठीक है, ये नंबरिंग कर ली। अब मैंने कहा कि अघोष क्या है, वन टू, तो ये जो लाइन है ये कैसी है, अघोष की है, अघोष बोलते हैं इसको, ठीक है। और ये जो तीन लाइन है इसको बोलते हैं सघोष, ओके, इसको क्या बोलते हैं, सघोष, इसको क्या बोलते हैं, अघोष, ठीक है। अब देखते हैं अल्पप्राण क्या है, अल्पप्राण क्या है, वन थ्री फाइव, वन थ्री और फाइव, मतलब इसमें क्या है, अल्पप्राण वन थ्री फाइव, मतलब ये तुम्हारा विषम नंबर होना चाहिए, तो विषम नंबर होना चाहिए। तो अब इसको क्या करते हैं कि जो सघोष होंगे वो अल्पप्राण होते हैं, जो सघोष होंगे वो अल्पप्राण होंगे, जो ये तीन मतलब ये क्या है, सघोष है, तो ये क्या होंगे, अल्पप्राण होंगे। हमने यहाँ से देखो जैसे मैथ में क्रॉस करते हैं, वो क्रॉस मैंने यहाँ पे इसीलिए लगाया है क्योंकि ये सारे सघोष क्या होंगे, अल्पप्राण होंगे, और ये अघोष महाप्राण होंगे, अघोष क्या होंगे, महाप्राण होंगे, क्योंकि इन दोनों में यही अंतर है कि जो जो सघोष है वो अल्पप्राण है कि हमेशा क्रॉस करेगा, और जो अघोष है, जो अघोष है वो क्या है, महाप्राण है। तो ये क्या हो गया, महाप्राण। तो दो चार क्या हो गए, महाप्राण हो गए, दो और चार ये महाप्राण हो गए, एक और तीन पांच ये तुम्हारे क्या हो गए, अल्पप्राण हो गए। तो इस तरह से सघोष और अघोष को हम पहचानते हैं। लेकिन अगर हम अल्प या रा ला वा की बात करते हैं, तो अल्पप्राण कम एनर्जी होती है इसमें, या रा ला वा इनमें क्या होता है, ये तो 25 में होता है, का से पा तक में ये इस तरह से कर सकते हैं। लेकिन अगर कहते हैं कि या रा ला वा में, तो या रा ला वा में बहुत कम एनर्जी निकलती, बहुत कम समय आप बोल सकते हैं या रा ला वा, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, अल्पप्राण बोलते हैं। और अल्पप्राण क्या होंगे, सघोष होंगे, तो मालूम चल गया कि अल्पप्राण क्या होंगे, सघोष होंगे, ठीक है। अब इसके बाद आते हैं सा सा हा, तो हा को भी छोड़ देते हैं, सा सा ये क्या होते हैं, ज्यादा एनर्जी लेते हैं, हम बोलते हैं सा सा हा, तो हा को छोड़ करके सा सा बहुत एनर्जी लेते हैं, तो इसलिए इनको क्या बोलते हैं, महाप्राण। और जब महाप्राण होंगे तो वो क्या होंगे, अघोष होंगे। तो इस तरह से हमने ये क्रॉस लगा दिया है आपको, ठीक है। अब इसके बाद आते हैं स्वर, स्वर क्या होते हैं, स्वर हमेशा सघोष होते हैं, सा से स्वर और सा से सघोष, और ये क्या होंगे, सघोष होंगे तो अल्पप्राण होंगे, ये हमने बताया ही है कि सघोष है तो अल्पप्राण होंगे, ठीक है। अब इसके बाद आते हैं हा, हा एक ऐसा अपवाद है, हा एक ऐसा अपवाद है जो कि सघोष होता है, जो कि सघोष होता है, लेकिन ये क्या होता है, महाप्राण होता है।
हाँ एक ऐसा अपवाद है जो कि सगोश तो है लेकिन महाप्राण है, और सभी इस रूल से आपको अच्छे से पता चल जाएगा। बस इस रूल को फॉलो करो, अघोष है तो वो महाप्राण होगा, सगोश है तो अल्पप्राण होगा। अब अघोष को आप देख लिया कि 1 2 अघोष है, सगोश 3 4 5 है तो ये सगोश है। अब इसका उल्टा कर लो कि सगोश जो है वो अल्पप्राण है और अघोष जो है वो महाप्राण है। तो इस तरह से आपको सभी मतलब अल्पप्राण महाप्राण पता चल जाएगा, लेकिन सिर्फ हा को छोड़कर। हा एक अपवाद है और ये सगोश और महाप्राण होता है, और सभी चाहे वो स्वर हो चाहे व्यंजन हो आप इस रूल से लगा सकते हो। अब स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं, किस तरह से स्पर्श व्यंजन का से लेके पा तक 25 और रड़ा अड़ा दो और मिलकर के टोटल 27 स्पर्श व्यंजन होते हैं, ठीक है। स्पर्शी व्यंजन जिसको बोलते हैं। अंतस्थ व्यंजन 4 होते हैं, ये हमने आपको बताया, यार अलावा। ऊष्म व्यंजन 4 होते हैं, सा सा हा। आगत व्यंजन जा फा ये होते हैं, जा और फा होते हैं, दो होते हैं। संयुक्त व्यंजन छत्रज्ञा ये भी हमने आपको बता दिया, 4 होते हैं, छत्रज्ञा और ऋषि वाली सा। इसके बाद टोटल कितने हो गए, स्वर कितने बताए थे, 11 स्वर बताए, और ये टोटल कितने हो गए, 25, 27, 23, 27, 4, 4, 12, 11, 11, 4, 15, 2, 17, 17, 4, 17, 37, 44, 41 टोटल ये हो गया व्यंजन। तो इस तरह से टोटल कितना आ गया, स्वर और व्यंजन मिलाते के 52 आया। तो ये इस तरह से पूरा जो स्वर और व्यंजन मिला के वर्णमाला में कितने होते हैं, 52 होते हैं। और ये आपका व्यंजन मैंने अच्छे से पढ़ा दिया कि सगोश क्या है, अघोष क्या है। अघोष अगर पूछा जाए तो ये सोच लेना कि अघोष 1 2 है, और 1 2 है तो वो महाप्राण होगा। और सगोश अगर बात की जाए तो सगोश 3 4 5 है तो वो क्या होगा, ये अल्पप्राण होगा। और फिर इसके बाद आप कोई भी ये वर्णमाला में देखें, सभी इसी रूल में फॉलो करेंगे, सिर्फ हा को छोड़कर। हा एक ऐसा है जो सगोश है लेकिन महाप्राण है, ना कि वो अल्पप्राण है। थैंक यू, नमस्कार। और यही इसी से ये चैप्टर समाप्त होता है, और आगे मैं रीजनिंग पढ़ाऊंगी। थैंक यू, नमस्कार।